हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। विजयादशमी के अवसर पर मैंने आज रामचरितमानस से कुछ दोहे लिए हैं, जो अंतिम दिन का है जिस दिन रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। कल विजयादशमी है और विजयादशमी यानी भगवान विजय प्राप्त की, और दशमी का दिन था जो कल का दिन है, इसलिए मैंने वो अंतिम कुछ दोहे रावण के वध के लिए हैं। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीस, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। तो रामचंद्र जी ने रावण को जो बाण लास्ट में जो बाण मारा वो था एक साथ 31 बाण, 31। क्यों ऐसा मारा? क्योंकि आप देखिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं, सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। रावण के नाभि में अमृत कुंड था जिसके कारण उसको मारना बहुत मुश्किल था। तो भगवान थे इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो वो मार सकते थे। और वैसे भी विभीषण था जो बताने वाला था, तो विभीषण ने, यहाँ पर इस गुण तत्व को समझना पड़ेगा कैसे भगवान भगवान होते हैं, अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब वो मानव की तरह इस दुनिया में प्रकट होते हैं तो वो मानव की तरह ही बाहर से दिखते हैं और लीला भी वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो। नहीं तो भगवान को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को सीता माता कहाँ है वो पता नहीं है, रावण का वध कैसे होगा वो पता नहीं है, लेकिन रामलीला यानी मनुष्य की तरह भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लीला किए, मनुष्य की तरह दिख रहे थे। जैसे कृष्ण लीला में भी भगवान मनुष्य की तरह दिख रहे थे, तो जब मनुष्य की तरह मनुष्यों के बीच में प्रकट होते हैं तब वो ऐसे ही करते हैं जैसे वो भी एक साधारण मनुष्य हो, उसे उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे विभीषण बताता है वास्तव में उनको कि वहां पे रावण के नाभि में एक अमृत कुंड है। तो बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। 10 सिर था रावण का, तो 10 सिर यानी 20 भुजा, तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। तीसों को एक साथ क्या कर दिया? भगवान के 30 बाण थे, एक अमृत कुंड को सोखा तो 30 और 31 हो गया। 10 बाण से 10 सिर कट गए, 20 बाण से 20 भुजाएं कट गईं, और साथ में एक बाण से अमृत कुंड सोख गया, तो 31 बाण ने 31 कार्य कर दिया। अब सिर और भुजा रहित हो गया धड़, यहां से सिर कट गया, दसों इधर की भुजाएं, दसों इधर की भुजाएं, 20 भुजाएं कट गईं, सिर्फ बच गया ये शरीर बिना भुजाओं के और बिना मस्तक के। तो वो क्या करने लगा? वो जमीन पर नाचने लगा शरीर। मृत्यु के पश्चात भी थोड़े समय तक वो शरीर में जान रहती है, ऐसा अभी भी हम देखते हैं। किसी का वध होता है, थोड़े समय तक वो छटपट करता है। तो वो पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गर्जउ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, हालांकि उसमें से सिर उसका निकल चुका है, फिर भी धड़ दौड़ रहा है, और उसके दौड़ने से धरती धंस रही थी। तब प्रभु ने बाण मार कर उस धड़ के भी दो टुकड़े कर दिए।
मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। अंतिम मृत्यु के समय उसकी ये चेतना थी कि मुझे राम को मारना है। अब आपको आश्चर्य होगा कि अरे ऐसी चेतना वाला व्यक्ति कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है जो भगवान को मारना चाहता है। तो आप ये समझना चाहते हैं तो आप कृपया सुनिए। डोली भूमि गिरत दस कंधर, छुबित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी परे उदो खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत शुभ हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो रावण का शरीर अभी दो भाग में कट चुका था और वो अब गिर पड़ा। कुछ देर तक बिना सिर के भी वो जिंदा रहा, उसके बाद अब वो जिंदा यानी जो एनर्जी रहती है सिर्फ उतना देर वो रहता है, तो अब वो गिर पड़ा है। उसके गिरने से बहुत सारे भालू और वानर उसके नीचे दब गए, रावण के शरीर के नीचे। मंदोदरी आगे भुज शीशा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभि से सब निसंग महु जाई, देखि सुरन दुंदु भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले, जहां जगदीश्वर श्री राम थे। तो बाण ने क्या किया, सिर को और भुजाओं को मंदोदरी तक पहुंचा दिया। बाण जब भगवान के तरकस से निकलता है तो जो लक्ष्य है उसको भेद कर, लक्ष्य को भेद कर और जहां उसको कार्य करना होता है, ये भगवान का बाण है, ये कोई साधारण मनुष्य का बाण नहीं। तो उसको बाण हो या तरकस हो, जो भी संस्कृत के शब्द हैं मुझे ठीक से पता नहीं, जो जहां से बाण निकलते हैं, तो वो सब अलाइव होते हैं, वो सब जीवित होते हैं, वो मृत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं समझिए कि लकड़ी का एक जस्ट डंडा है या उसमें कुछ लगा हुआ है लोहे का, नहीं, वो सब जीवित होते हैं। भगवान के जितने भी पैराफर्नीलिया होते हैं वो सब एक एक पर्सनालिटी होते हैं, चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे खड़ाऊ हो, चाहे धोती हो, चाहे मुकुट हो। तो भगवान के बाण को भी एटिकेट पता होता है कि हमें क्या करना है। तो बाणों ने क्या किया, मंदोदरी तक पहुंचाया, और जब मंदोदरी तक पहुंचा दिया उनके रावण के सिर को और भुजाओं को, तब वापस जाके भगवान के तरकस में जाकर बैठ गया, जहां से निकला था वहां से, वहां जाकर के वो वापस चला, मतलब भगवान के कंधे पर जाके विराजमान हो गया। और जब ऐसा, हाँ, तरकस, उसको तरकस ही कहते हैं। तो जब तरकस में प्रवेश कर गए तो फिर सारे देवता प्रसन्न हो गए और नगाड़े बजने लगे आकाश में। आकाश यहाँ से जो आकाश हमें दिखाई देता है, उसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर स्वर्गलोक हैं, जहाँ से सारे देवतागण बहुत जल्दी जब उनको इच्छा होती है वो आ सकते हैं। तो जब कोई ऐसी शुभ घटना घटती है तो वो आते हैं और अपने अपने विमानों पर चढ़कर, और फूलों की बारिश या कुछ अच्छे शब्द, कुछ गुणगान ऐसा करते हैं। तो रामचंद्र जी ने जो अभी लीला की तो देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रचल प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, यही बात मैं बता रही थी। रावण की मृत्यु हुई पर उसे मुक्ति प्राप्त हुई। कौन सी मुक्ति? सायुज्य मुक्ति। वो भगवान के शरीर में समा गया। अब वास्तव में वो भगवान के धाम गया,
पर यहाँ पे सायुज्य मुक्ति की ही तरह उसकी मुक्ति हो रही है, वो भगवान के मुख में समा गया है। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए, ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। तो वास्तव में क्या हुआ था, एक बार चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनक सनातन सनत सनंदन, ये चारों कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। लेकिन बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो दिखते हैं सिर्फ 5 साल के, चारों भाई। इनको चार कुमार कहा जाता है क्योंकि इनकी उम्र हमेशा कुमारों वाली रहती है, छोटे बच्चे वाली। पर इनको ज्ञान भक्ति सब कुछ बहुत ज्यादा है, इनके पास वैराग्य। तो ये चारों बच्चे, जो बच्चे तो नहीं है, बहुत बड़े समझिए महान भक्त हैं और उम्र भी है, पर दिखते हैं बच्चे, इसीलिए ये बच्चे के रूप में ही पहुंच गए एक बार घूमते घूमते भगवान के धाम। कहाँ? वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और उसके लिए ब्रह्मांड को छेद करके पार करना पड़ता है, पर इनमें शक्ति थी, ये पहुंच गए। चारों भाई जब पहुंचे तो वैकुंठ लोक में बाहर कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रवेश कर सकता है। तो द्वारपाल थे, जिनके नाम थे जय और विजय, वो वैकुंठ के द्वारपाल थे। अंदर लक्ष्मी जी और उनके पति नारायण, भगवान और भगवती, अर्थात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी, दोनों अपने कक्ष में बैठे थे। और उन्होंने कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना वैकुंठ लोक में, वहाँ भगवान के पास मिलने के लिए मत आने देना, ऐसा जय और विजय को भगवान ने आदेश दिया था। तो ये वैकुंठ लोक का वो हिस्सा था जहाँ भगवान रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वैकुंठ लोक में सिर्फ भगवान रहते हैं, भगवान के सिवाय भक्त गण भी रहते हैं, पर ये भगवान का चैम्बर था जहां पे लक्ष्मी और नारायण स्वयं वास करते हैं। तो जय विजय ने रोक दिया चारों कुमारों को। अब चारों कुमार जो थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे, उनके पास बहुत शक्ति थी और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते, हमें तो अंदर जाना है। जय विजय ने कहा, नहीं, हमें मना किया गया है, हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। और ये इतना कॉमन है, ऐसा नहीं है कि जय विजय ने किया, आजकल के भी सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो यही कार्य करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति यदि आ जाए जो उस स्थान का बहुत सीनियर व्यक्ति है जहां पे प्रवेश कर रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई मतलब नहीं है, वो तो सीधा सीधा ऑर्डर मानता है, जो उसको ऑर्डर मिला है। प्रवेश नहीं करना है तो प्रवेश हम किसी को नहीं करने देंगे, ये नहीं समझ में आता है कि ये कौन व्यक्ति है। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो इसलिए जय विजय ने बोल दिया कि नहीं, हम तो नहीं देंगे प्रवेश करने। जय विजय ने तो लक्ष्मी जी को भी प्रवेश करने से मना कर दिया था, एक बार लक्ष्मी जी आई थी, ऐसा ही हुआ था, भगवान ने कहा था किसी को प्रवेश नहीं देना, तो लक्ष्मी जी को भी बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको अंदर जाने। पर यहाँ पे वैसे ही हो गया। तो चारों कुमार, तब तक भगवान भी आ गए थोड़ी देर में, पर चारों कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम बहुत अहंकारी हो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, असुर योनि में जन्म ले लो। तब भगवान आ गए तब तक, और अब भगवान तो जय विजय को भी प्यार करते हैं और चारों कुमारों को भी प्यार करते हैं। तो क्या करते भगवान, जय विजय तो बहुत दुखी हो गए, अब हम क्या करें, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा आपको, मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, हमको नहीं जाना है मृत्यु लोक। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूं वहां लीला करने के लिए। तो उनको श्राप मिला कि 3 बार 3 जन्म होंगे तुम्हारे। तो वास्तव में क्या होता है, वास्तविक बात यह है जो भगवान स्वयं करते हैं वो किसी के माध्यम से हो, जैसे राधा रानी को भी श्राप दिया था एक सुदामा नाम का भक्त था गोलोक धाम में, जिन्होंने श्राप दिया था।
राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से रूठ गई थी, कृष्ण के ऊपर गुस्सा कर रही थी। तो सुदामा ने कहा कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, चली जाओ धरती पर। तो वहां पर भी ऐसे ही राधा रानी रूठी थी, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी वहां चलना ही है। तो सुदामा ने कहा था कि तुम्हें विरह होगा, भगवान से विरह होगा लंबे समय के लिए। तो यहाँ बाहर से तो विरह ही दिखाई दे रहा था राधा रानी और कृष्ण के बीच में। इसी प्रकार असुर योनि में जन्म लेने के लिए श्राप मिल गया जय और विजय को चारों कुमारों के द्वारा। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी रहूंगा, तुम अकेले नहीं रहोगे। वास्तव में क्या होता है, जब भगवान धरती पर आते हैं लीला करने के लिए, कहीं भी मृत्यु लोक में जब लीला करते हैं भगवान, अभी तो हमारे ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं, पर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और अनंत कोटि ब्रह्मांड में लीला होते रहती है। जब भगवान लीला करने के लिए जाते हैं मृत्यु लोक में, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मृत्यु अवश्य होती है, ये नष्ट होने वाला लोक है। तो भगवान को हर प्रकार की लीला करना पसंद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुर मधुर लीला, नहीं, भगवान को युद्ध करना भी बहुत पसंद है। भगवान 12 रसों में भक्तों के साथ लीला करते हैं, उसमें एक रस वीर्य रस भी है, जैसे दास्य रस है, सख्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है, वैसे वीर्य रस भी एक महत्वपूर्ण रस है, जिसमें भगवान अपनी वीरता का प्रयोग करते हैं भक्त को आनंद देने के लिए। अब जैसे भगवान आते हैं जब धरती पर, तो उनको जब माधुर्य रस की लीला करनी होती है तो उनके साथ में कौन रहता है, या तो लक्ष्मी जी रहती हैं, या तो राधा रानी, या तो सीता माता, ऐसा ही कोई रहेगा। साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है भगवान के साथ लीला, ये संभव नहीं है कि भगवान के सामने साधारण मनुष्य टिक जाएगा, या भगवान साधारण मनुष्य के साथ लीला कर सकते हैं, ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनका हर चीज दिव्य है। तो उनके साथ मैच जो होता है वो सिर्फ दिव्य जगत की चीज ही मैच होती है। तो इसीलिए भगवान किसी भी रस में लीला जब करते हैं तो उसके लिए भगवान को अपने धाम से पार्षदों को ही लाना पड़ता है। तो जब भगवान को धनुष बाण चलाना है, तलवार चलाना है, या गदा चलानी है, या सुदर्शन चक्र चलाना है, ऐसा कुछ भी करना है लंबे समय के लिए उनको युद्ध करना है, तो लंबे समय तक किसके साथ वो युद्ध करेंगे, उनके बराबर का तो कोई होना चाहिए। तो इसलिए भगवान जय विजय को वहां से भेज देते हैं। तो जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की लीला होती है प्रहलाद महाराज की, तो वहां पे भी हिरण्याक्ष भी बहुत दिनों तक युद्ध करता है वराह देवता के साथ। वराह भगवान जो है, पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष ने फेंक दिया था नीचे गर्भोदक सागर में, जहाँ गर्भोदकशायी विष्णु लेटते हैं उसी सागर में पृथ्वी को फेंक दिया था। और फिर बाद में वराह भगवान जाते हैं और सुकर रूप उनका जो होता है वो पृथ्वी माता को ऊपर उठाते हैं। उसके लिए 18,000 साल या कुछ बहुत लंबे समय के लिए, मुझे ठीक से याद नहीं, माफ करिएगा, तो बहुत लंबे समय के लिए लड़ाई करना पड़ा था हिरण्याक्ष से। तो वो जो लड़ाई होती है ना, उसमें बहुत आनंद आता है भगवान को, और इस आनंद के लिए ही भगवान जय विजय को भेजे यहाँ 3 बार। और कुछ कुछ लोग कहते हैं, या भक्त कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि जो जगाई मधाई थे वो भी वही थे, पर 3 जो उनका रूप है जय विजय का, वो तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, राम लीला में रावण और कुंभकर्ण, और कृष्ण के समय में शिशुपाल और दंतवक्र थे। तो ये जय विजय ही थे। जय विजय भगवान के धाम से आए थे, भगवान के धाम के द्वारपाल हैं। तो जब उनकी मृत्यु होती है या भगवान वध करते हैं तो वो वापस द्वारपाल ही बन जाते हैं, वो उनके शरीर में समाये नहीं रहेंगे। शरीर में समाने का मतलब है सायुज्य मुक्ति, और सायुज्य मुक्ति वाले धाम नहीं पहुंचते हैं। पर यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ रामायण में अवश्य लिखा है कि मुख में समा जा रहे हैं, पर वास्तव में
वो धाम जाएंगी, लास्ट में वो जाएंगे धाम ही। तो हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ भगवान की बहुत सुंदर भगवान की छवि का वर्णन है। पहले आप देखते हैं कि यहाँ भगवान ने क्या कर दिया, मार तो दिया है उसको। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। मुकुंदा यानी मुक्ति देने वाले, मुक्ति देने वाले भगवान की जय हो। और फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवता गण और मुनि गण सब मिलके। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गहि, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालहि। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रण भूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। तो देवतागण स्तुति करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फूल बरसाते हैं, स्तुति भी करते हैं साथ साथ में। अभी आपने स्तुति सुना, ये स्तुति का मतलब है कि हे मोक्षदाता, हे कृपा करने वाले भगवान, हे दुख हरने वाले, द्वंद्वों को हरने वाले, अर्थात राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु इत्यादि का हरण करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, और दुष्टों का नाश करने वाले प्रभु, आप कारणों, आप परम कारण हैं, आप दयालु हैं, करुणा करने वाले हैं, आपकी जय हो। ऐसा बोलते हैं, नगाड़े बजाते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। जब भगवान वहां युद्ध भूमि में थे तो उनका बहुत सुंदर वर्णन है कैसे भगवान लग रहे थे। जैसा कि हमने देखा महाभारत के समय भीष्म पितामह के साथ कृष्ण भगवान का एक बहुत सुंदर सीन है, जिसमें भीष्म पितामह ने मजबूर किया है भगवान को रथ का पहिया उठाने पर। भगवान ने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध भूमि में, और भीष्म पितामह ने कहा कि आज तो मैं अर्जुन को मार कर ही रहूंगा। तो अर्जुन को मारने के लिए जब भीष्म पितामह तीर चलाने वाले थे तो भगवान ने क्या किया, अपना रथ का जो पहिया है उसको उठाकर दौड़ गए। भीष्म पितामह को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भीष्म पितामह बहुत खुश हुए कि मैंने भगवान को अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। तो अस्त्र था भी नहीं भी था, क्योंकि वो तो रथ का पहिया था। इसलिए भगवान का एक नाम है रथांग पाणी, पाणी यानी हाथ, और रथ का अंग अर्थात पहिया उन्होंने उठाया था अपने हाथ में, रथांग पाणी। और वो रथ का जो पहिया था ना, वो गिरा है एक चक्रा में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, इसलिए उसका नाम है एक चक्रा। एक चक्र गया है वहाँ पे, उस धाम का नाम है। वैसे एक और स्थान है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर भी कहते हैं गिरा था, अब पता नहीं कौन सा सही है। वो दर्शन भी हमने किया है पिछली बार, वहाँ पे तो एक व्हील जैसा रखा हुआ है, तो देखना पड़ेगा सत्य क्या है। तो उसका नाम है, नित्यानंद प्रभु का जहाँ जन्म हुआ है उसका नाम है एक चक्रा यानी चक्र। पर जगन्नाथपुरी में जो एक स्थान है वहाँ तो कहते हैं भगवान का जो पहिया उठाया था वो पहिया गिरा है। तो जो भी हो, तो भगवान ने उठा लिया था। तो उस समय भी श्रीमद् भागवतम में भगवान का बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान के पूरे शरीर पर धूल है, पसीने हैं, और वो पसीने की बूंद भगवान के चेहरे पर, बॉडी पर बहुत खूबसूरत लग रहा है, मोती की तरह चमक रहा है, ऐसा वर्णन है। सूर्यास्त हो रहा है, वो सीन बहुत सुंदर है। उसी तरह यहाँ पे रामचंद्र जी का भी बहुत सुंदर वर्णन है, आप सुनिए।
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन ब्राजही भुज दंड सर को दंड फेर तरुधिर कन तन अति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, भगवान तो जंगल में थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो सिर पे मुकुट तो था नहीं, क्या था? जटा था, जो बाल उनके बड़े हो गए थे वो जटा बंधा हुआ था सिर के ऊपर। तो सिर पर क्या है? सिर जटा मुकुट, मुकुट बना हुआ है, जटाओं का मुकुट है। और उसके बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। और जो फूल है ना बीच बीच में ऐसे सजाए हुए, बहुत मनोहर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कैसा लग रहा है? जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन ब्राजही। ऐसा लग रहा है कि नीले रंग का पर्वत है, क्योंकि भगवान के शरीर का कलर कैसा होता है? नीला ही होता है करीब करीब, रामचंद्र जी का भी तो नीले रंग का पर्वत है ऐसा लग रहा है। और बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं, और उसमें बिजली का समूह, बिजली चमक रहा है वो, और उसमें बहुत सारे नक्षत्र, नक्षत्र ऊपर ऊपर में रहते हैं तो कैसे चमकते हैं, वैसे चमक रहे हैं। फिर भुज दंड सर को दंड फेर तरुधिर कन तन अति बने। अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। भगवान के हाथ में क्या है? एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण, तो वो घुमा रहे हैं। भगवान युद्ध कर रहे हैं, इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? बाण को और धनुष को ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे कैसे ऐसे ऐसे बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो उनके पास जो रहता है वो घुमाते हैं। तो भगवान के पास क्या है? धनुष और तीर, तो वो घुमा रहे हैं, पूरे एक्शन में है भगवान। उन्होंने रावण का वध किया है अभी, तो वो घुमा रहे हैं। जनुराय मुनिम तमाल पर बैठिम विपुल सुख आपने। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हैं। ये अलंकार, ये उदाहरण, ये क्या कहते हैं, एनालॉजी, जो समझ लीजिए। तमाल के वृक्ष पर बहुत सारी चिड़िया हैं, ललमुनिया उसका नाम है, ललमुनिया चिड़िया अब बहुत खुश होके निश्चल भाव से शांति से बैठी हुई। भगवान ने क्या किया? भगवान ने रावण का वध किया, उस रावण का जिन्होंने सीता, जिसने सीता माता का हरण किया था। अभी आप सोचिए भगवान क्यों नहीं खुश होंगे? भगवान तो खुश होना ही है भगवान को, क्योंकि उन्होंने उस दुष्ट का वध किया है। कृपा दृष्टि करी दृष्टि प्रभु अभय किए सुर बन बृंद भालु की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया, वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लग गए। तो ये है विजयादशमी, जो कल मनाया जाएगा समूचे देश में, समूचे धरती पर, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू या सनातन धर्म के लोग हैं वो हर जगह कल बहुत उत्सव मनाया जाएगा, सब जगह छुट्टियाँ होंगी। ये आजकल के लोग एक नया चीज़ बोलने लग गए हैं कि रावण का मतलब है हम सबके अंदर रावण है, और हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं उसको रावण कहते हैं, और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया, ये एक सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, रावण हमारे अंदर है और बस उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, पर ये बात नहीं है। ठीक है, इससे शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे दुष्ट स्वभाव को हम सुधारें या इम्प्रूव करें, या रावण को हम मारें,
राम की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ये सब कुछ सही है, पर वास्तव में राम थे, वास्तव में रावण था त्रेता युग में, इस बात को समझना पड़ेगा, ये झूठ नहीं है। आप मुझे बताइए आज भी अयोध्या है कि नहीं, आज भी श्रीलंका है कि नहीं, और तो और आज भी पुल के अवशेष हैं जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर से पिक्चर आ रहा है आपको सैटेलाइट से, जो सेतु बनाया था राम सेतु जिसका नाम था, उसके अवशेष आज भी हैं। द्वारका में भगवान ने जो महल बनाया था 16,108 रानियों के लिए, उसके भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, सच में राम थे, सच में कृष्ण थे, सच में रावण था, सच में अयोध्या द्वारका मथुरापुरी सब कुछ सत्य है। तो ये इससे शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, ये अलग बात है, पर इसको झूठ साबित करके ये बोलना कि ये किसी ने लिख दिया है सिर्फ हमें सुधारने के लिए, बाकी ऐसा कुछ सत्य नहीं है, ये सब क्या है, माइथोलॉजी या मिथोलॉजी या व्हाटएवर, पर ये बात नहीं है। विश्वास कीजिए आप लोग, विश्वास करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा, और सत्य की ही विजय होती है। श्रील प्रभुपाद की जय।